नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला देते हुए कोटे के अंदर कोटे को मंजूरी दे दी, यानी कि अब SC ST से जुड़े मामलों में राज्य जो हैं वो उनकी उपजातियों को यानी सब कास्ट को SC ST की जो अभी तक आरक्षण का सही लाभ नहीं ले पाई थी और उसको लेकर के राज्यों में अलग अलग तरह की डिमांड थी, राज्यों ने मामले दर्ज किए थे, तो उस महत्वपूर्ण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल पुराना उनका जो ES चिन्नप्पा फैसला था इसी बारे में, जिसमें संविधान के आर्टिकल 341 के हवाले से इस बात को नहीं माना गया था कि राज्य अपने यहाँ पिछड़ी SC ST से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में आने वाली जो जातियाँ हैं उनकी उपजाति यानी उनकी सब कास्ट को वो अपनी मर्जी से अपनी प्रेफरेंस से प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण दे सकते हैं। तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यों वाली जो संविधान बेंच है जिसने ये मामला फरवरी में लगातार 3 दिनों से जिसकी सुनवाई की थी, उस 7 मेंबर बेंच ने उसमें से 6 लोगों ने सहमति के आधार पर ये माना है इस फैसले में कि अब राज्यों को इस बात का अधिकार होगा कि वो अपने राज्य में जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति SC ST की सब कास्ट है उनको आंकड़ों के आधार पर उनको इस आधार पर कि उनमें से कौन सी सब उपजाति के ऐसे लोग हैं जिनको आगे बढ़ावा देने की ज़रूरत है, जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, तो उनको कोटे के अंतर्गत वो तय कर सकते हैं, ऐसे नियम बना सकते हैं, ऐसे कानून बना सकते हैं कि उन जातियों को प्राथमिकता के आधार पर आरक्षण का लाभ मिले। एक जो सदस्य है बेला एम त्रिवेदी जस्टिस, उन्होंने इन 7 न्यायाधीशों में से उनकी राय इन बाकी 6 लोगों से अलग थी, तो 6-1 के आधार पर बेला एम त्रिवेदी एकमात्र ऐसी जस्टिस हैं जिन्होंने इस मामले में अलग फैसला दिया है, जिनका मानना है कि संविधान में जो आर्टिकल 341 है उसके तहत राष्ट्रपति को जो अधिकार है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की सूची उनको तय करने का वही मान्य होगा, उस और उसमें राज्यों को ऐसे अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए, ये उनका मानना था। जो बाकी 6 न्यायाधीश जिन्होंने इस फैसले के समर्थन में जिनकी राय एक जैसी थी, जिन्होंने माना कि आज की तारीख में पिछड़े वर्ग से जो लोग आते हैं, केवल OBC में अभी तक ये व्यवस्था थी, OBC के अंतर ये व्यवस्था थी कि उनको कोटे के अंतर कोटा दिया जा सकता था ताकि जो आरक्षण का सही लाभ है, जो उसका सही मकसद है, वो सही लोगों तक पहुँचे, लेकिन SC ST में ये व्यवस्था नहीं थी। तो इन 6 न्यायाधीशों में जिन्होंने इसके पक्ष में फैसला दिया है, तो इन 6 न्यायाधीशों में जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश चंद मिश्रा ये और जस्टिस मनोज मिश्रा ये सब शामिल हैं। जस्टिस जो मनोज मिश्रा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन्होंने एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी DY चंद्रचूड़ जी ने जो फैसला लिखा उसमें उन्होंने मनोज मिश्रा की तरफ से भी लिखा, बाकी सब लोगों ने अपने अपने फैसले इसमें दिए हैं लिखे हैं। ज़्यादातर जो न्यायाधीश हैं 4 न्यायाधीशों ने जिनमें जस्टिस BR गवई, इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जो SC ST के ऐसे लोग हैं क्रीमी लेयर हैं जो इसका लाभ ले चुके हैं उनकी अगली पीढ़ी को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, खासतौर पे जो सिविल सर्वेंट हैं UPSC जो पास करते हैं IAS IPS IFS और दूसरे जो सिविल सर्वेंट हैं और वो SC ST कैटेगरी से आते हैं और उनको इसका लाभ आरक्षण का मिल चुका है, उनके बच्चों को उनकी दूसरी पीढ़ी को इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, उनका मना है, उनकी दलील है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यों को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि क्रीमी लेयर में जो लोग आ चुके हैं उन्हें इस आरक्षण का लाभ ना मिले। अभी तक केवल ये OBC के मामले में व्यवस्था कायम है, तो अब इस फैसले के बाद जो राज्यों के तमिलनाडु में इस तरह के कानून है, कर्नाटक में बने थे, पंजाब सरकार ने भी इस तरह की व्यवस्था की थी, ये मामला पंजाब सरकार ने जो एक कानून बनाया था जिसके तहत वाल्मीकि समुदाय और मजहबी सिखों को उन्होंने कोटे के अंदर 50% जो कोटा था SC ST के लिए उसके तहत उसके अंतर्गत 50% उन्होंने वाल्मीकि समुदाय और मजहबी सिखों के लिए उन्होंने आरक्षित रखा था, जिसके खिलाफ मामला पहुंचा, बहुत सारे मामले दर्ज किए गए और वो सारी अपीलें जो है जब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सामने आई तो उन्होंने ये माना कि ये संविधान का उल्लंघन है। तो उसमें आंध्र प्रदेश के EV चिन्नैया मामले का जिक्र किया गया था, जो 5 सदस्यों वाली संविधान बेंच ने उस समय इसके हक में फैसला दिया था, ये
बात कही थी जिसका हमने जिक्र किया कि संविधान के तहत केवल राज्य ऐसा कोई निर्णय नहीं ले सकते, इसका अधिकार केवल राष्ट्रपति जी को, जो उन्होंने सूची जारी की है उसी के तहत उनकी पहचान की जा सकेगी और वो एक ही समूह में माना जाएगा एस सी एस टी को, उसको उपजातियों में आप विभाजित नहीं कर सकते। ये कानून था, तब से वो लंबित था 2006 से, और उस पर अब सुनवाई हुई थी इस साल शुरू में फरवरी में, 3 दिन लगातार इस पर सुनवाई हुई, 3 दिन उसमें बहुत सारे मुद्दे आए इस बेंच के सामने, तमाम तरह के मुद्दे थे कि इसमें पॉलिटिकल अपीजमेंट का मामला हो सकता है। आज भी वो खतरा बना हुआ है क्योंकि कानून तो बन गया, अब इस फैसले में ये जरूर है कि जुडिशियल रिव्यू होगा, यानी कानून या राज्य जो है वो केवल राजनीति के आधार पर नहीं कि उनकी मर्जी में आ गया और उनको चूंकि एक खास कास्ट को प्रमोट करना है क्योंकि उस कास्ट से उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट अलाइंड है, क्योंकि वोट का सारा मामला है, तो राज्य तो राजनीति के हिसाब से चलते हैं, राज्य सरकारें तो राजनीति के हिसाब से चलती है, तो इस बात का एक खतरा या इस बात की आशंका थी जिस पर 3 दिन की सुनवाई में अलग अलग तमाम पहलुओं पर विचार हुआ था। तो इस फैसले में ये बात कही गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात। देश में इन दिनों ऐसे भी आपको मालूम है जाति जनगणना का आरक्षण को लेकर, जाति को लेकर के जो पूरा बवाल चल रहा है इस पूरे चुनाव में आपने देखा, और अभी संसद के अंदर भी आपने देखा कि किस तरह से मामला गरमाया हुआ है, माहौल किस तरह से गरमाया हुआ है। तो इस फैसले के अंदर भी इस बात का मेंशन है कि जो राज्य हैं वो जब इससे संबंधित कानून बनाएंगे कोटे के अंदर कोटे का, ताकि तो वो इस बात का ख्याल रखेंगे। एक तो प्रमुख बात यह है कि वो किसी भी उपजाति को, किसी भी सब कास्ट को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की वो 100% नहीं दे सकते, यानी कि अगर मान लीजिए एस सी एस टी का कहीं पर 30% या 40% है और उसके अंदर वो उसकी किसी सब कास्ट को जिस जो बहुत ही मार्जिनलाइज्ड है क्योंकि दूर दराज के जो लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है, उनको सही रिप्रेजेंटेशन मिले, उन्हें भी आगे आने का मौका मिले, उस दृष्टि से अगर वो देना चाहे तो ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एक सब कास्ट के फेवर में ही 100% हो जाए कि वो किसी एक सब कास्ट को ही प्राथमिकता दें, ऐसा नहीं है। वो बोले किसी को 100% नहीं दे सकते आपको, और जिनका भी आप चुनाव करेंगे वो जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायालय को उसकी समीक्षा का अधिकार होगा, सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू होगा, प्लस उसके लिए उन्हें एम्पिरिकल डेटा यानी कि वो डेटा जो प्रमाणित हो, वो डेटा जो अनुभव के आधार पर जो सही जो जिसकी पुष्टि की जा सकती है, जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, हवा में नहीं चलेगा। तो अब राज्य इस तरह से चिन्हित कर सकते हैं यदि उनके पास ऐसे प्रमाणिक आंकड़े हैं, यदि उनके पास ऐसे डेटा हैं, यदि ऐसे उदाहरण हैं कि जहां एस सी एस टी में आने वाली जो जातियां हैं उन जातियों में कोई बहुत ही पीछे रह गया है तो उसको वो उसका लाभ देना चाहते हैं कोटा का, जो भी एस सी एस टी का कोटा, तो वो उसके आधार पर उसको उपजातियों को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसकी अनुपात बढ़ा घटा सकते हैं, 100% नहीं कर सकते पर, लेकिन इस बात का ख्याल रखा गया है जजमेंट में कि इसमें राजनीति ना हो। अब कैसे ये होगा क्योंकि कानून तो बन गया है, लेकिन इस देश में कानून होना परेशानी नहीं है, कानून के पालन के लिए और कानून के अंदर से रास्ते निकालने की जो सरकारें खेल करती हैं, राजनीतिज्ञ खेल करते हैं, वो बड़ा मसला है। और फिर घूम के आता है अदालतों में, और अदालतों में भी जो राजनीतिकरण हुआ है अदालतों का या राजनीतिकरण की जो पूरी बात चल रही है उसके तहत ये प्रश्न चिन्ह तो हमेशा लगा रहेगा कि अच्छी नीयत से, सही दृष्टिकोण से जो बात अदालतें तय करती हैं, संसद भी कानून बनाती है, उनका जमीन पर जब क्रियान्वयन ना हो पाए तो क्या होगा। तो ये तो एक ऐसी बहस है, ये एक ऐसी परिस्थिति जो हमेशा रहेगी, लेकिन कानून के फैसले के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत सालों से 19 साल से मामला लंबित पड़ा हुआ था उसका फैसला किया है, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत जैसे देश में जहाँ इतने करोड़ों लोग अभी भी वंचित हैं सुविधाओं से, वंचित हैं अवसरों से, और उसको लेकर के पूरा ढांचा जो है, जो बहस राजनीतिक दृष्टिकोण से चलती रही है, हर बार चुनावी मुद्दा होती है, तो उसका इसमें एक हल निकाला गया है। और ये क्रीमी लेयर वाली बात पर चारों लोगों ने जोर दिया है, जिसमें बी आर गोई साहब ने भी कहा है, जस्टिस सतीश मिश्रा ने भी कहा है, विक्रमनाथ ने भी कहा है, पंकज मित्तल ने भी कहा है, इन लोगों ने इस बात को उनकी समर्थन किया है जो बी आर गोई साहब ने कहा है कि इसमें वो लोग जो क्रीमी लेयर में आते हैं, जो ऑलरेडी प्रिविलेज उसमें पहुँच चुके हैं, उनके बच्चों को, उनकी सेकेंड जनरेशन को इससे वंचित, इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए। राज्यों को इसके लिए बाकायदा सिस्टम इवॉल्व करना चाहिए, मैकेनिज्म इवॉल्व करना चाहिए, करना होगा। ये बात भी इस फैसले में कही गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ये ऐतिहासिक निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। इसके खिलाफ, इसको पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट की इस पूरी बेंच ने ये फैसला दिया है जिसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र अभी हमने पहले भी किया कि बात यह है कि फैसले होते हैं
सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है, बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, जब उनकी टिप्पणियां सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कितनी बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है सामाजिक विषमता को लेकर, इसके बाद चीज़ें सही हो जाएंगी। लेकिन घूम फिर के वो बात पहुंचती है न्यायपालिका से, वो बात निकल के पहुंचती है कार्यपालिका के पास, एग्जीक्यूटिव के पास, और उसके ऊपर जो नियंत्रण होता है वो विधायिका का है। तो ये अमल के स्तर पर, क्रियान्वयन के स्तर पर, एग्जीक्यूशन के स्तर पर फिर वो कहाँ पहुँचती है? अमल तो दूसरी एजेंसीज को करना है, दूसरे सिस्टम को करना है। तो ये बात तो अभी भी बरकरार रहेगी। देखा है, ये जाना है अब कि ये जो फैसला आज निकला है जिसकी मंशा ये है कि उस आखिरी आदमी तक जो दूर दराज के गांव में रहता है, SC ST के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जातियों को उसमें डाला गया है, और राज्य अपने हिसाब से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से उनको शामिल भी करते हैं उसमें से, तो वो सच में अमल पे आएगा कि नहीं आएगा? जो इसका मंतव्य है, जिस क्रीमी लेयर की जिक्र इस सबने कहा कि भाई जिन लोगों को SC ST में या मिल चुका है उनकी अगली पीढ़ी को क्यों मिले, उन्होंने तो जिक्र किया गवाही सामने के बहुत सारे ऐसे वकील हैं जो प्रिविलेज क्लास में आ गए क्रीमी लेयर के, आज उनके बच्चे जो हैं उन्हें उस कोटे का लाभ क्यों मिले? कहीं से भी ये ठीक नहीं है, कहीं से भी ये जायज़ नहीं है। और यही बात उन्होंने दूसरे और जिस मतलब अफसरों के बच्चों के खासतौर पर उन्होंने कहा कि IAS IPS सिविल सर्वेंट इनके बच्चों को इससे अलग रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि उनकी तुलना उनसे की नहीं जा सकती जो SC ST में है, लेकिन वो गांव में महिला धो रहे हैं, गांव में किन किस तरह के व्यवसाय में लगे हैं, उनको तो उस लाभ की भनक भी नहीं है, खबर भी नहीं है, उनकी हैसियत भी नहीं है कि उसका लाभ ले पाए। तो उन तक पहुंचने की इस फैसले में जो कोशिश है, इस फैसले के जरिए जो बात की गई है, और उन्होंने B.R. अम्बेडकर जी का भी हवाला दिया कि अम्बेडकर ने भी ये बात कही थी कि नैतिकता और इकोनॉमी कॉमर्स अर्थव्यवस्था, उसमें अर्थव्यवस्था हावी हो जाती है, उसके कंसर्न हावी हो जाते हैं, जो पूरा मकसद है संवैधानिक ढांचे का, जो सामाजिक न्याय की बात, जो समता की बात की गई है, जिसके तहत आरक्षण की जो बुनियाद है वो समता के उसी सिद्धांत पर है, लेकिन वो सिद्धांत, वो जो कल्पना है, वो जमीनी स्तर पर उसको अमली जामा तभी पहनाया जा सकेगा जब उसका पालन करने वाली जो एजेंसीज हैं, जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, वो राजनीति से परे हों, राजनीति से ऊपर उठ के सोचें। तो उम्मीद करते हैं कि ये फैसला जो आज सुप्रीम कोर्ट से निकला है ये जमीनी स्तर पर पहुँचेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपका आरक्षण और जातीय ये जो SC ST को लेकर ये जो बात हुई है, इसको लेकर के आपका क्या अनुभव है, आपके क्या विचार हैं, आप कितना सहमत हैं इस बात से, हमें अपनी राय से अवगत कराएं, और हमारे चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब ना किया हो। हमारे वीडियोस को आपके प्रोत्साहन की, हमारे चैनल को आपके प्रोत्साहन की बहुत ज़रूरत है। हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार। We'll be right back.